सिक्किम। जो पहले दो वर्ड्स मैंने इस जगह के बारे में सुने थे वो थे स्मॉल बट स्पेक्टेक्युलर। साइज की बात करें तो जहां हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख का अराउंड 55 से 60 हजार स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है, वहां सिक्किम का सिर्फ 7 हजार स्क्वायर किलोमीटर्स। छोटा होने के बाद भी एक ऐसा स्टेट है जिसके लैंडस्केप में इंडिया की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा भी है और साथ में अल्पाइन मेडोज, कलरफुल वैलीज, फ्लोइंग रिवर्स, चिली विंड्स, टर्कोइज लेक्स, वाइब्रेंट मॉनेस्ट्रीज और ढेर सारे खूबसूरत लोग भी। तो अगर इस बार आप मेरे साथ इस छोटे से स्टेट की बड़ी सी दुनिया देखने के लिए तैयार है हमारे सिक्किम सफरनामे का पहला चैप्टर शुरू होता है रिंचिनपोंग से। ये है वेस्ट सिक्किम का एक छोटा सा टाउन जो सिक्किम की नोन डेस्टिनेशंस जैसे कि गैंगटॉक या पेलिंग जितना पॉपुलर तो नहीं है, बट जंगलों से घिरी हुई एक पीसफुल डेस्टिनेशन है। हमारा नेक्स्ट कुछ दिनों का स्टे है यांगसुम हेरिटेज फार्म में। यहाँ के वुडन और मड कॉटेजेस सिंपल हैं बट रस्टिकली बहुत ही ब्यूटीफुल और कंफर्टेबल हैं। फॉर अ नेचर लवर हु इज लुकिंग फॉर अ स्लाइस ऑफ रस्टिक सिक्किम अमिडस्ट नेचुरल सराउंडिंग्स, दिस इज एन आइडियल प्लेस। Alright जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सिक्किम। सिक्किम एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो पिछले 2-3 साल से हमारे एजेंडा, हमारी बकेट लिस्ट में थी। आई रिमेंबर फर्स्ट प्लान वॉज इन 2020, लॉकडाउन के बाद अराउंड में भी लेटर हाफ ऑफ 2020। बट तब जब वेन वी वर रिसर्चिंग एंड वेन वी वर ट्राइंग टू गेट इन टच विद द लोकल्स, तो तब ये था कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, चीज़ें क्लियर नहीं थी, परमिट्स वगैरह का इशू था, तो तब कैंसिल हुआ। फाइनली दिस ईयर, मतलब वो तो एकदम मैंने लिखा हुआ था, एजेंडा में था कि कुछ भी हो जाए इस बार सिक्किम आके ही रहेंगे, एंड हियर वी आर। अब सिक्किम का ऐसा रहता है कि मैक्सिमम लोगों का प्लान जो रहता है वो 5 से 7 दिन का मैक्स, लेकिन हम हैं यहाँ क्लोज टू 20 डेज, इनफैक्ट एग्जैक्ट 20 डेज। तो ऐसा इसलिए है बिकॉज दिखने में भले ये छोटा सा स्टेट हो, एंड आई थिंक इट्स इंडिया सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट आफ्टर गोवा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लेकिन इट पैक्स अ पंच। चाहे वो लैंडस्केप हो, चाहे वो व्यूज़ हो, चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हो, फूड हो, कल्चर हो, एक्सपीरियंसेस हो, तो काफ़ी सारी यहाँ चीज़ें हैं। तो वी वुड बी कवरिंग वेस्ट जहाँ की हम अभी हैं, देन वी विल गो टू नॉर्थ, देन ईस्ट एंड देन साउथ एंड देन बैक। तो अभी सिक्किम का सफ़रनामा कैसा रहता है वो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए इतना कह सकता हूँ कि अगले 20 दिन सिक्किम के नाम। On a clear day, one can get a view of Kanchenjunga right here from Yangsum Heritage Farm. But currently, यहाँ इतना hazy था कि पास के पहाड़ भी clearly नहीं दिख रहे। To spend time, one can go on a village walk, visit monasteries, or explore the Rinchinpong Bazaar. But इन सबसे पहले मैं एक ऐसे इंसान से मिलना चाहता था जिनकी story is a great example of trusting your vision against all odds. Azing's Model Farm एक fruit forest है जहाँ इतने फल हैं कि जिस direction में भी पत्थर मारो फल ही गिरेंगे। द फार्म इज ओन्ड एंड रन बाय मिस्टर आजिंग लेपचा। 2004 में उन्होंने अपनी इस बंजर, स्टीप और रॉकी जमीन पे फ्रूट्स उगाने शुरू किए। शुरू के करीब 4-5 साल उनके काफी स्ट्रगल्स में निकले क्योंकि फल उगने के बाद भी यहाँ आसपास कोई ज्यादा खरीदार नहीं थे। बट द मैन डिडंट गिव अप एंड डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई हिज एक्टिविटीज बाय प्रोड्यूसिंग होममेड हनी एंड ब्रूइंग डिलिशियस फ्रूट वाइन्स। द आइडिया वर्क्ड, अट्रैक्टिंग अ कॉन्स्टेंट ट्रिकल ऑफ विजिटर्स।
अपनी ऑर्गेनिक फ्रूट फार्मिंग और सस्टेनेबल टूरिज्म की लर्निंग्स को कंबाइन करके अब वो एक होमस्टे भी चलाते हैं एंड दीज डेज ही वेलकम्स हंड्रेड्स ऑफ विजिटर्स एवरी मंथ बोथ फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड. द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट द फार्म इज दैट वन कैन हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग अ लोकल वाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम फ्रूट्स लाइक गुआवा, पाइनएप्पल, ऑरेंज एंड पीच. बट दी ओनली ड्रॉबैक इज कि इसकी लोकेशन मेन रोड से काफी नीचे है और बहुत सारी सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं. इसीलिए शायद ये सबके लिए सूटेबल ना हो, बट इन दी एंड इट इज अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस. अभी ये 2004 से हमने स्टार्ट किया ये फल फूल का फार्म. 2004 हाँ जी. 2004 से 2007 से टूरिस्ट लोग भी बहुत आया बंगाल से. अच्छा. फर्स्ट में बंगाल का टूरिस्ट लोग आया जी. उसे उसके बाद बाहर का भी अभी तो आता है, वो जो फॉरेनर लोग भी आता है जी. तो ये वाइन बनाना आपने ही सीखा? पहले तो हमने थोड़ा थोड़ा बनाया. हाँ जी. उसमें जो छोटा छोटा ऐसे बैरल में बट जो कंटेनर में बनाया. हाँ जी. दो चार महीना में मैंने टेस्ट किया, उतना अच्छा नहीं था. अच्छा. और मैंने सोचा और दिन रखने के लिए और अच्छा कैसे होता है उसका. जो मैंने एक डेढ़ साल बाद में फिर टेस्ट किया, दूसरा बैरल का था जो उसका टेस्ट किया. ऐसे करने से अभी तो हमारा जो ये चार साल पाँच साल रहने से और अच्छा होता है. अभी बढ़ता जाता है. जो भी यहाँ वाइन है ये सब सात साल आठ साल का वाइन है. सब सात आठ जी. हमने इसे करके सीखा. आदमी लोग को नहीं पूछा मैंने. आप पहले वन आप बताइए किससे स्टार्ट करें. वाइन टेस्ट करके सिनेमन से स्टार्ट करें पहले. जार का बनता है अंदर जार. ऐसा लग रहा है एकदम सिनेमन इन्फ्यूज्ड कोई जूस आप पी रहे हो. और लाइक एनी अदर वाइन व्हेन यू स्मेल इट फर्स्ट तो वो नाक मतलब मुंह में जाने से पहले नाक ही पहचान लेता है कि इट इज दालचीनी. सिर्फ हमने चीनी डाल के फर्मेंटेशन करता है. ये ऐसे करने से आदमी को जो शरीर खराब नहीं होते, लीवर खराब नहीं होते. अच्छा. ये पीने से जितना भी पी सकता है. इसे ये पीने से शरीर खराब नहीं होते, जो लीवर खराब नहीं होते. पॉइंट के बाद ना समझ नहीं आ रहा. एवरीथिंग टेस्ट सो फ्रूटी, सो सिट्रसी. मन कर रहा है हर एक बॉटल सारी उठा. ये पाइनएप्पल का ये वाला. आजिंग्स मॉडल फार्म बस एक फ्रूट फार्म ही नहीं है, बल्कि एग्जांपल है इस एक इंसान की मेहनत के फल का. इनकी विजन, इनके हौसले और इनकी हिम्मत को मेरा शत शत नमन. बाकी के पूरे दिन का प्लान हमने छोड़ दिया अपने ड्राइवर राज लिंबू के हाथ में. पिछले कुछ दिनों में ये तो पता चल गया था दैट ही इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर. और क्योंकि वो खुद भी वेस्ट सिक्किम से ही है, इट वुड बी अ शेम टू नॉट यूटिलाइज हिज नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ दिस एरिया. ये तो ये अभी 13 माइल हो गया. लेकिन बर में पहले मिलेंगे. 13 माइल से अभी क्रॉस हो रहा है. ये पूरा होटल है ये देखिए. अच्छा. ये भी होटल है, ये भी होटल है. ये सब जितना भी दिख रहा है होटल है. यहाँ पर क्यों होटल है, क्यों चलता है, क्योंकि यहाँ से पूरा कंचनजंगा देखता है यहाँ से. अच्छा. वेदर क्लियर होने के टाइम में सीजन पूरा एकदम सामने है. सामने है. अच्छा. पेलिंग से जितना देखेगा वहाँ पेलिंग से थोड़ा ज्यादा देखेगा यहाँ से. इस जगह का नाम क्या? 13 माइल. नेपाली में 13 माइल बोलता है. 13 माइल. उसके बाद में हम जाएंगे फिर देंताम वैली देखेंगे. देंताम वैली देख के फिर देंताम से क्रॉस करके हम फिर सिंगसर ब्रिज. ओके. एशिया का सेकेंड हाइएस्ट ब्रिज टेकिंग ब्रिज. वहाँ से फिर हम वो देख के फिर ऊपर चढ़ जाएंगे तेंजिंग हिलेरी पार्क. अच्छा. वहाँ से नेपाल भी नज़दीक पड़ेगा. एक घंटा में तो गाड़ी में जाएंगे तो नेपाल पहुँच जाएंगे. ओके आएंगे आज. लेकिन ये हमारा गाड़ी नहीं जाएगा, ये 4x4 गाड़ी जाएगा. अच्छा. तब भी आपको भी ये भी ज़्यादा था, लेकिन आपको सिस्टम होगा शायद, किसी को देगा किसी को नहीं देगा. अच्छा. पास बनाना होगा क्या होगा.
ये अभी हम लोग यहाँ पर है कि सिक्किम का वेस्ट सिक्किम में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का वो उत्तरी बोलता है वहाँ पे है ये सिंहेश्वर ब्रिज है। तो हम उत्तरे में अभी एंटर हो गए। हाँ तो उत्तरे यहाँ से ये सिंहेश्वर ब्रिज है, ये एशिया का सेकेंड हाइएस्ट ब्रिज, ये टूरिस्ट के लिए भी है लेकिन पहले यहाँ पर ब्रिज नहीं था उस टाइम में, गाड़ी के लिए भी है ये। तो पहले कौन सा रास्ता होता था जब ब्रिज नहीं था? पहले ये वाला था लेकिन बहुत ये रिवर बड़ा होके आता था और रेनी सीजन में उस टाइम में बन रहता था, उसीलिए ये बन के बना के रखा है लेकिन क्योंकि बॉर्डर एरिया है लेकिन उसीलिए यहाँ ये बना के टूरिस्ट के लिए भी हो गया लेकिन अभी साइट सीन एक पॉइंट भी बना है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये एशिया का सेकेंड हाइएस्ट ब्रिज भी है लेकिन पहले वाला भी था बोल रहा था ये टूट गया ये पहले वाला। 240 मीटर लंबा और 100 मीटर ऊंचा ये ब्रिज कनेक्ट करता है दो विलेजेस को, देंताम और उतारे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे टूरिस्ट अट्रैक्शन पे रुकने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बट इस जगह का इम्पैक्ट पता चलता है जब आप एकदम इसके बीचों बीच खड़े होते हो। वो तेज ठंडी हवा, पत्थरों के ऊपर से बहती नदी की आवाज और इतनी ऊंचाई पे चलने का एहसास, दिस प्लेस वॉज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे पड़ता है इंडो नेपाल बॉर्डर पे बसा हुआ एक छोटा सा शांत सा गांव उतारे। जाना तो ये सिक्किम के काफी सारे पॉपुलर ट्रेक्स के स्टार्टिंग पॉइंट की तरह जाता है, बट मुझे तो ये ऐसी भी जगह लगी जहाँ आप आके कुछ दिन रुक सकते हो। और क्योंकि ये रिंचिनपोंग से थोड़ा हाइट पे था तो मौसम भी हल्का सा ठंडा था और हेज कम होने की वजह से यहाँ पे पहाड़ों के ग्रेडियंट्स बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। अब मेरे नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आज पूरे दिन में काफी साइट सीइंग हो गई थी, तो बस यहाँ और कहीं जाने के बदले आई जस्ट चोज टू वॉक एंड टेक इट इजी। यांगसो में वापस आने के बाद प्लान था कुछ सिक्किमीज डिशेस बनाने का। एक एक्टिव फार्म होने की वजह से ये लोग काफी कुछ यहीं ग्रो करते हैं, फ्रॉम कार्डमम टू पैडी, मिलेट्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीज एंड ए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। एंड द बेस्ट पार्ट, ऑल ऑफ दीज आर 100% ऑर्गेनिक एंड वी गेट टू ईट एवरीथिंग फ्रेश डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म टू ट्रेडिशनल चूल्हा टू आवर प्लेट। कुक करने से पहले हमने देखा कि बैम्बू शूट कैसा दिखता है और उसे किस तरह से काटा जाता है। So this is a dish called gundruk, जो बता रहे हैं कि पालक as well as सरसों दोनों को ही ferment करके ये लोग रखते हैं और उसके बाद वो it lasts for more than a year and then उसको चाहे तो चटनी के form में use करते हैं, जैसे ये उसका सूखा form है जब उसको dig करके इन्होंने रखा और हफ्ता 10 दिन के बाद जब निकाला तो ये उसका सूखा वाला form है और ये अभी थोड़ा सा soak करके उसको रखा है। इसकी चटनी बन सकती है, आज अपेरेंटली इसका सूप बनने वाला है। सो दैट्स वन वे ऑफ एक्चुअली एडिंग लाइफ टू द डिशेज, जो हम लोग तो सिर्फ ग्रीन फॉर्मेट में ही खाते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट्स यूनिक। और दूसरी चीज़ जो आज हम बैम्बू शूट काट के आए थे उसकी बन रही है अब सब्जी, उसकी कैसे सूखी सब्जी बनती है या ग्रेवी वाली? सूखी सूखी ही बनती है। तो क्या अभी इसको आपने चॉप करके रख दिया है? ठीक है, और इसमें मैंने जीरा गोटा जीरा डाल दिया है। हाँ, और इसमें ओनियन चॉप और ग्रीन चिल्ली जी, और इसको थोड़ा सा ब्राउन करके, ठीक है, हम इसमें जो पेस्ट है जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाँ जी, ये थोड़ा सा डालेंगे 2 चम्मच और इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। ऑलराइट, जब तक खाना बन रहा था तब तक इंतजार करने में मेरा साथ दिया यहाँ की एक लोकल ड्रिंक छांग ने। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द डे जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जहां भी कुछ भी सिक्किम के बारे में पढ़ो तो ये एक ड्रिंक का मेंशन हमेशा आता है। सो दिस इज कॉल्ड छांग, इसका एक नाम इफ आई एम नॉट रॉन्ग टोंगबा भी है और एक नाम ची भी है,
तो आई थिंक अलग अलग लोकेशन और अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको यही बोलते हैं, नेपाली में इसको छांग बोलते हैं. एंड दिस इज मेड ऑफ फिंगर मिलेट विच इज एसेंशली रागी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो रागी को सिर्फ और सिर्फ इसमें आई थिंक रागी फर्मेंट करके रखी जाती है और उसके बाद जस्ट अभी इस मस्त ह्यूज एस बैम्बू ग्लास में वो फर्मेंटेड रागी और हॉट वाटर और थोड़ी देर उसको वी जस्ट अलाउ हॉट वाटर टू सेटल डाउन. एंड मेरी नॉलेज बस इतनी ही है. नाउ इट्स टाइम टू ड्रिंक एंड लेट्स सी. इट्स एक्चुअली वन ऑफ द टेस्टीएस्ट लोकल ड्रिंक्स मैंने कहीं भी जो पी हो. हमने लद्दाख में भी ट्राई की है, हमने हिमाचल में आरा ट्राई किया है, बट आई थिंक दिस इज द टेस्टीएस्ट. द क्लोजेस्ट analogy or closest comparison would be red wine, and because hot water serve करते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे hot toddy वाला feel भी है, but yeah it's really really tasty and I love the glass. यार look at the presentation in a huge bamboo glass with a bamboo straw. Organic drink in organic state. सिक्किमीज खाना ना सिर्फ टेस्टी बल्कि हेल्दी भी होता है. एक तो यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक और फ्रेश उगता है और इसके साथ साथ बहुत ही लिमिटेड मसालों का यूज किया जाता है, और अगर उसको हल्की हल्की आंच में लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे पे बनाया जाए तो हर डिश का टेस्ट एकदम निखर के आता है. Right from the farmstead itself, there are a few trails to visit the villages and the monasteries. उन्होंने मेरे लिए एक local guide भी arrange कर दिया, who will take me on a walk and give insights into the local culture and life around here. ये किसके plantations हैं? ये इलायची का है सर. किसका? इलायची. इलायची. जी. ओह अच्छा, cardamom का है. हाँ, cardamom का. इसका फल अभी आ रहा है, देख लीजिए. ये नीचे वाला होता है, इसका फल तीन स्टेप का है, वो इलायची होता है. अच्छा. बड़ा, छोटा और मीडियम लार्ज. सेम से ही, सेम प्लांट से ही निकलता है? नहीं, ये प्लांट थोड़ी दूसरा प्लांट होता है. दूसरा प्लांट होता है ना. अच्छा, इधर इसको बोलते हैं, हमारे लैंग्वेज से इसको बोल रहा है हम लोग सौनी. सौनी जी. और वो भारलांग होता है, भारलांग. और वो दूसरा भी होता है. अच्छा. बहुत तीन चार तरीका का है, तीन चार टाइप का है प्लांट. और आप लोगों का यहाँ कौन सा लैंग्वेज, क्योंकि सिक्किम में भी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है. राय भुटिया, राय भुटिया, सुब्बा एंड लेप्चा एंड नेपाली, बस इतना ही. अच्छा, तो अब जैसे लिंबू हुए, वो जी लिंबू का लैंग्वेज दूसरा है, उनका अलग है, वो भी अलग कम्युनिटी है. लिंबू अलग है, तो लिंबू अलग है, भुटिया अलग है, लेप्चा अलग है, अलग है, और राय अलग है. और राय अलग है. और इनकी सबकी लैंग्वेजेस भी अलग रहती जी. हमारा एक लैंग्वेज है नेपाली, तो सब लोग बोल सकता है, बोल लेता है सब कुछ. और वो दूसरा अपना अपना कास्ट का होता है ना, वो लैंग्वेज वो दूसरा अलग अलग सा वो अलग रहती है. आपकी कौन सी लैंग्वेज है? मेरा राय. राय जी. तो लैंग्वेज का नाम भी राय ही रहता है. तो जो भुटिया है उनकी लैंग्वेज का नाम भी भुटिया ही है. लेप्चा का भी लेप्चा ही. सुब्बा का लिंबू लैंग्वेज. सुब्बा का उनका लिंबू लैंग्वेज. यही है कि भी. यही है. बड़ा भी हो सकता है, बड़ा होता है ये वाला जो है. जी, काफी हद तक इसकी बेल जैसे ये बनाई हुई है ना. जी जी. मैंने बहुत जगह ये होता ना, जहाँ वाइन बनती है जी. तो जो ग्रेप्स के, जो अंगूर के पूरी बेल होती है, वो ऐसा ही ऐसा ही रहता है, नीचे पूरा छावदार रहता है. तो विनयार्ड्स में इसी तरीके का इसको ऐसा ही इसको ऐसा ही चाहिए सर. ये ग्राउंड में जाएगा था, नहीं नहीं फ्रूट नहीं होगा. अच्छा. इसको इसके लिए ये पोल है ना, ये पिलर बनाया है, और इस पे तार, ये तार, तो ये पूरा तार पे ही इसकी पूरी बेल अटकाते हैं. इसका ब्रांचेस जाएगा और फिर फल देगा. हाँ जी. इसके लिए ये सब बनाया है. ये वाला जो आप कह रहे हैं छोटा जी, यही फल है. अभी तो इसमें कोई टेस्ट भी नहीं होगा. नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा हो जाएगा ना वो सीजन में. अभी तो ये छोटा वाला है, अभी स्टार्ट हो रहा है बहुत.
आज मौसम पूरा एकदम से चेंज हो गया ना, बारिश वाला जी, अभी धूप से स्टार्ट किया था, अभी देखो पूरा बादल बादल हो गया और ज्यादा, बट अच्छा लग रहा है एटलीस्ट गर्मी तो नहीं लग रही। ये जो सामने दिख रहे हैं क्या ये गांव है? हाँ ये भी गांव है और उसको बोलता है हम लोग सात गुमती। सात गुमती? सात गुमती जी। अच्छा वहाँ से स्टूडेंट लोग है ना? हाँ। वहाँ का स्टूडेंट भी हमारा स्कूल होम स्टे के नीचे स्कूल है, वहाँ पर भी आ रहा है, आ जाएगा वो पढ़ने के लिए। तो वहाँ से कैसे आते हैं? पैदल? पैदल से ऊपर तक, रोड तक पैदल से आएगा। हाँ। फिर यहाँ से आके यहाँ रोड तक, यहाँ से शॉर्टकट लेके उधर स्कूल तक। कितना टाइम लगता होगा? मैक्सिमम वन आवर में वो मैक्सिमम कवर कर लेगा। मतलब हमें अगर करना हो तो हम वहाँ से जब शुरू करेंगे जब तक पहुँचेंगे स्कूल ओवर हो जाएगा। सो दिस प्लेस इज़ कॉल्ड गुरुंग गोम्पा। और जैसे ही हम लोग एक तो इतना एफर्ट लगा के पहले यहाँ पहुँचे, लेकिन पूरा क्लियरिंग सामने, तो सामने पूरा एकदम क्लियरिंग है, छोटे छोटे विलेजेस दिख रहे हैं। एंड देन दीज लिटिल मंक्स दे वर वेरी इंक्विजिटिव। आते ही उन्होंने सबसे पहले, पता है सबसे पहला सवाल मुझसे क्या पूछा उन्होंने, कि आप आर्मी हो? तो मेरे को लगा बिकॉज आई एम वेयरिंग दीज पैंट्स इस वजह से, तो मैंने कहा इनकी वजह से आपको ऐसा लगा कि मैं आर्मी से हूँ? तो बोला नहीं नहीं, क्योंकि आपका हाइट इतना ज़्यादा है ना, तो हमें लगा आप आर्मी से हो। बट दे वर रियली स्वीट, सो दे स्टडी ओवर हियर इटसेल्फ। और सैटरडे संडे इनकी छुट्टी होती है, तो ही सेड ही ऑफर टू शो मी अराउंड हियर भी, इवन दो मॉनेस्ट्री बंद थी, बट आर लिटिल इंचार्ज ही हैड द कीज और उन्होंने ओपन की, तो इट हैज़ गिवन मी अ चांस टू एक्चुअली चेक इट आउट। सिक्किम की शुरुआत काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ माई लॉन्गेस्ट ट्रिप्स। अभी अगले कुछ दिन भी वेस्ट सिक्किम में ही बीतेंगे बिफोर वी हेड टू द कोल्ड नॉर्थ। सफर लंबा रहेगा और देखते हैं कि कैसा बनता है ये सफरनामा।